हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज है डे 6 नवरात्रि का और आज ऑरेंज कलर था। मैं अभी ब्लॉगिंग करने के मूड में नहीं थी, जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए कि आज मैंने ऑरेंज पहना है। थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन किया बिकॉज मैं अभी जा रही हूँ, मुझे वीडियो लाइव करनी है तो उसकी प्रिपरेशन में बिजी थी थोड़ा। आज मैंने सुबह से कुछ ब्लॉग नहीं किया, तबीयत थोड़ी अच्छी सी नहीं लग रही थी। तो ऑरेंज मैंने पहना है लेकिन मैं इसको पहन नहीं पाऊँगी ज़्यादा देर तक, बिकॉज ये वाला जो कपड़ा है ना, इसके अंदर के जो फोल्ड हैं, जो सिलाई हैं, ये यहाँ से बहुत काटते हैं, चुभते हैं थोड़ा थोड़ा। तो एक दो बार पहना मैंने इसको, ऐसे ही थोड़ी देर पहनती हूँ फिर उतार देती हूँ, तो ये टोटल वेस्ट है। एक दो सूट हैं जो मैं लेकर आई थी चांदनी चौक से, वो कुछ सूट तो बिल्कुल वेस्ट ही निकले, उनको मैं पहन नहीं पाती हूँ। एक और है वो भी चुभता है। टोटल मैं वहाँ से आई थिंक 7 सूट लाई थी, उसमें से 3 सूट हैं जो थोड़े थोड़े चुभते हैं अंदर से, और अनकम्फर्टेबल कपड़े मैं बिल्कुल भी नहीं पहन पाती हूँ। तो इसको उतार करके मैं दूसरा कुछ पहनने जा रही थी। मैंने सोचा मैं दिखा देती हूँ आपको भी, अब पहना है मैंने आज ये कुर्ता, क्योंकि आज है ऑरेंज डे। कितने बजे निकलोगी? 11 बजे। मैं ऐसा करता हूँ, मूली के पराठे जो है ना, मूली है ही, मेरे को जैसे जैसे बोलोगे कर दूंगा। अगर बनाने का आप सोचोगे ना, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं ही बना रही हूँ। मैं सारा कुछ कर दूंगा उसमें जैसे जैसे बोलोगे। तो ऐसा नहीं है, मेरे को आता है, ठीक है? आपको कुछ नहीं आता है? कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं मिलता है? मिलेगा तो मैं पूछ लूंगा बीच बीच में आके। तुम रख नहीं, तो मैं फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी, ये अर्जेंट काम है मेरा। तो क्या करूँ बताओ, मूली भी खराब हो जाएंगे ना। जैसा तुम बोलो वैसा कर दूंगा। चाय तो मैंने चढ़ा दी है। 11 बजे निकलना है, हम लोग को जाना है। आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, करवा चौथ की शॉपिंग नहीं हुई अभी तक। कहाँ? लाजपत नगर। यस, लाजपत नगर। मेरे लिए राउंड नेक वाला टी शर्ट लेना, वाइट ब्लैक वाला मिले तो। टी शर्ट नहीं मिलता है वहाँ पे। अरे मिलती है, ठीक है, जा रहा हूँ। मैं चाय लाऊंगी। टी शर्ट आपको पसंद आएगी? व्हाइट या ब्लैक, मैं बोल तो रहा हूँ, ज्यादा झीट झाट मत लेना। कितना व्हाइट ब्लैक, कितना? दो ही कलर अच्छे होते हैं जिंदगी में, ब्लैक एंड व्हाइट। ये देखो, इसके अपने अलग ही कलर है। तकिया उठा उठा के फेंक रहा है ये ऐसे उलट पलट के सोता है, बाप रे कहाँ का कहाँ पहुंच जाए। अगर इसको थोड़ा बेड और बड़ा हो ना तो पूरा चक्कर मार। देखो तकिया उठा के फेंक गई इसने, किस नींद के झोंके में पता नहीं, तकिया इकट्ठी कर रहा है नीचे। ओ भाई, नई टी शर्ट पहन के सो गया। देखो इज्जत का फालूदा हो गया भाई, इज्जत बचा इसकी फालूदा। चलो डोंट डिस्टर्ब मी। अरे तो ब्रेकफास्ट में क्या फाइनल हुआ? पोहा बना डालो। पोहा हुआ मैंने बना, या तो रोटी के लिए आटा गूंथ देता हूँ। दे दो मेरे को लोशन, छोटा रखा है ना, मम्मा वो दे दो जरा। हाँ ये देखो, लोशन दे दो, क्रीम दे दो, तेल दे दो, स्नो पाउडर लगा लो। कमाल कर रहे हैं लोग, टैलेंट का कदर ही नहीं है। एक संडे ये कुछ नहीं करेंगे, ये सुबह सुबह का टाइम अभी चाय बनाने गए हैं, इसलिए इन्होंने कैमरा ऑन कर लिया। ये कैमरा ऑफ होते ही कुछ नहीं करने वाले हैं, तो ज्यादा ही गुना वो मत देना, इम्पोर्टेंट मत देना। फिर तक क्या फेंका इसने, किससे गुस्सा होके फेंका भाई? सपने में मारपीट चल रहा है किसी से? हेलो, पीट रहे हो क्या? अरे भाई लाल भी लग रहे हो, पीटे हो क्या? हाँ तो मैं बता रही थी, अपना कैमरा रखते अपने काम में बिजी हो जाएंगे। देखो कुछ नहीं करवाने वाले मेरा काम। संडे का आलम कैसा होता है मैं क्या ही बताऊं, अपना दर्द बांटूंगा किसी। जैसे लाजपत नगर जा रही है ना, तो मैं मैं कैमरा ऑन करके और मेरे ऊपर फोकस होगा पूरा, और फिर अपना दर्द बांटूंगा। दर्द बांट लो, एक दिन दर्द ही बांट लो आप। तुम उसको एडिट करके काट दोगे सारा? यस, वो तो मेरे हाथ में है ना। प्याले की चाली गरम, क्या बोला? चाय की प्याली को क्या हुआ? गरम पाए की चाली बोल। अच्छा ऐसा बोला क्या? उल्टा, मतलब चाय और प्याली में कंफ्यूज हो गए। कोई उसको पिलाने वाली है, तो पिलाने वाला है तुम्हें।
पिलाने वाली, गाना गुनाने वाला भी जानता है, वाली मंडे टू सैटरडे पिलाने वाली ही होती है, यहाँ पिलाने वाला चल रहा है। ये संडे है, देख लो दोस्तों, ये असली चेहरा नहीं है, पहले ही बता रही हो। इसके ऊपर रखूंगा तो ये गंदा तो नहीं होगा? नहीं, साफ हो जाएगा वैसे तो, बट रखो। अरे अरे सिद्धार्थ देख के बेटा, उसको सब दिख रहा है, पिटेगा भी है। पिट तो रहा सपने में वो धाए धाए। कितने थप्पड़ चले तेरे ऊपर, कितने रस्सी धुए। तीन तकिया तो फेंक दिया नीचे, उठा के देखो पूरा बेड खाली, तकिया गायब है। अल्लाह की नहीं बना खाना। जल्दी बनाओ, निकलना है मुझे, लेट हो रही हूँ मैं आज, उल्टा पड़ा है पैतड़ा। नहीं आज आप खाना बना रहे हो और मैं जा रही हूँ बाहर। टाइज देखो, शेप देखो, शेप मतलब एकदम राउंड कर दिया। ये राउंड है शेप, चौकोर है ये। अरे इतनी मेहनत करने के बाद भी ये फर्स्ट टाइम तो नहीं करूँगा। वाह 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 वाह, क्या सफाई से खाना बन रहा है, देखो जरा। एक्चुअली मुझे वीडियो का ना बहुत अर्जेंट काम करना था, तो मैं सुबह जब से उठी थी मैं उसी में लगी हुई थी, और फिर वो पूरा करने के बाद सीधा मुझे निकलना था, बिकॉज़ आप ऐसी किसी मार्केट जाओ ना तो आपको टाइम पे पहुंचना पड़ता है। तो आज हम लोग लाजपत नगर जा रहे थे, तो इसीलिए हस्बैंड ने आज खाना वगैरह सुबह ब्रेकफास्ट का बनाया, फटाफट मैंने खाया और रेडी होके फिर मैं निकल गई। वंदना आ गई थी बाहर, उसके बाद हम दोनों मिले और हम निकले मार्केट के लिए। तो नियर अबाउट 11:30 के आसपास हम लोग निकले थे और 1:15 के आसपास हम लोग मार्केट पहुंच गए थे। थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि मेट्रो चेंज करनी पड़ती है, फिर रिक्शा वगैरह लेना पड़ता है। और लाजपत नगर जाने का मेरा जो मेन मोटिव था वो यही था कि मुझे अपने लिए करवा चौथ के लिए कुछ आउटफिट लेना है, बिकॉज़ इस बार ना जैसे साड़ी वगैरह मैं लेने के लिए जाती थी चांदनी चौक हमेशा, तो इस बार सोचा चांदनी चौक ना जाके लाजपत नगर चलते हैं, बिकॉज़ यहाँ भी काफ़ी ट्रेडिशनल और इंडियन आउटफिट बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, जैसे आप चाहो। थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर मुझे ये लगा, लेकिन हाँ मिल जाते हैं, बहुत सारा सामान यहाँ पर है जो आप अगर ये आपको ट्रेडिशनल शॉपिंग करनी है, शादी की शॉपिंग करनी है, या फिर ऐसे करवा चौथ दिवाली इसकी शॉपिंग करनी है, लहंगे ड्रेसेस, तो ये सब हैवी वाली बहुत मिलती हैं वहाँ पे। चांदनी चौक से मैं कहूँगी थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस मुझे ज़्यादा लगा। सबसे पहले जाते जाते हमने यहाँ पे ये बैग ख़रीदा, और ये 400 का एक दे रहे थे, बट बार्गेन करने पर सीधा उन्होंने हाफ़ कर दिया 200 का। हमने एक बैग मैंने लिया, एक वंदना ने लिया, बिकॉज मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये बैग। उसके बाद यहाँ पे मिलती है भरपूर ज्वेलरी, बहुत सारी ये जो ज्वेलरी पीसेस होते हैं ऑक्सीडाइज, ये बहुत बहुत मिलते हैं। तो अभी नवरात्रे का चल रहा था तो उस वजह से ना बहुत ही ज़्यादा माल था, लेकिन ये वाला भी क्वालिटी भी थोड़ी अलग थी और प्राइस भी थोड़े अलग थे सरोजनी नगर से। जैसे सरोजनी में मिल जाते हैं ना, सरोजनी से थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस मुझे यहाँ पे लगा, लेकिन हाँ यहाँ वैरायटी भी बहुत हैवी वाली थी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। और ये जो ब्लाउज़ आप देख रहे हैं ना, ब्लाउज़ की तो इतनी वैरायटी थी यहाँ पे, जैसा भी आप डिज़ाइनर ब्लाउज़ चाहें, जैसा भी आप हैवी ब्लाउज़ चाहें, सारे यहाँ पे मिल रहे थे। तो मार्केट तो मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा महंगा लगा लेकिन अच्छा लगा मार्केट। आप जो भी अगर ट्रेडिशनल वेयर या शादी की शॉपिंग सोच के जाओगे, वो सब चीज़ आपको यहाँ बड़े आराम से मिल जाएगी। और कुछ शॉप ऐसी भी हैं जहाँ पर रीज़नेबल है सब कुछ, जैसे 100 रुपीज़ में ये आपको जो गले में पहनने वाले पीसेस हैं ना सिंपल वाले, ये मिल जा रहे थे। बैंगल्स बहुत सारी थी यहाँ पे, और ऑक्सीडाइज बैंगल भी बहुत सारी थी, गोल्ड में भी बहुत सारी बैंगल्स थी, तो कुछ अच्छी लगी मुझे, जैसे ये वाला पीस मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने लिया नहीं इसको। और इयररिंग्स तो बहुत अच्छी थी, बट क्या है ना, इयररिंग्स मुझे पसंद तो आती हैं देखने में, लेकिन मैं उनको पहन नहीं पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं आधा घंटा भी कोई आर्टिफिशियल इयररिंग पहनती हूँ तो फिर मेरे कान पकने लगते हैं, मुझे ज़बरदस्त वाली एलर्जी है कानों में इनसे, आर्टिफिशियल इयररिंग्स से। तो इसीलिए मैं पसंद तो बहुत करती हूँ लेकिन ख़रीदती नहीं हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता, वो पड़ी की पड़ी रहती हैं। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे झुमके वगैरह हैं बट पहन नहीं पाती हूँ उनको। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे नाइट सूट आए हुए थे 600 रुपीज़ में, सेटन में भी थे, और बहुत अच्छे अच्छे नाइट सूट्स 600 रुपीज़ में मिल रहे थे, बिकॉज सीज़न भी थोड़ा एंड हो रहा है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा इन्होंने सस्ता लगाया हुआ था। तो 600 वाले जो सूट और ये थे नाइट सूट, वो बहुत अच्छे थे। और उसके बाद यहाँ पे तो खजाना आपको मिलेगा, ये लखनवी जो चिकनकारी का वर्क है यहाँ पे इतना मिलता है, इतनी शॉप्स थी और एक से एक चीज़ें थी यहाँ पे। तो दो कुर्ते लिए, मतलब मैंने और वंदना ने एक एक कुर्ता, यानी
हैं, दो कुर्ते हमने यहाँ इस शॉप से लिए। कुछ यहाँ पे ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ जो यहाँ पे मिल रही थी। तो यहाँ से मैंने की करवा चौथ की शॉपिंग, कुछ ज्वेलरी पीसेस, कुछ स्लीव वेयर और कुछ घर का सामान। मम्मा को घर से गए हुए 3 घंटा हो गया है और लाइक हम लोगों ने उसके बाद कीबोर्ड मैंने प्रैक्टिस किया, उसके बाद मैंने गेम खेला 1 घंटा और अब हम लोग घर से बाहर निकलने वाले हैं 3 काम से। एक काम मम्मा को नहीं पता और वो मैं बताऊंगा भी नहीं। क्या? नहीं वो नहीं बताऊंगा, बता दो। अच्छा पहला काम है गाड़ी को करवाने जाएंगे, गाड़ी साफ करवा मतलब गाड़ी साफ नहीं, गाड़ी में कुछ सही करवाना है वो सही करवाने जाएंगे। उसके बाद एक जगह जाएंगे, कुछ खरीदेंगे, खाएंगे और फिर चल देंगे। क्या खाएंगे? चिप्स और किटकैट, बातें कर करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ आएंगे और फिर मेरे बाल कटवाने हैं आज। सो ये 3 काम है और इसके लिए हम निकलने वाले हैं। बाप रे, ये क्या भाई? क्वेश्चन पिलो यही सब लाई है, हट जाए। हेलो सिद्धार्थ, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? मैं बहुत थकी हुई हूँ और बस उस दिन ज़्यादा मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। आप समझ सकते हैं जब हम कहीं मार्केट जाते हैं तो कितना हमारा शेड्यूल जो है बिजी सा हो जाता है और टाइम भी नहीं मिलता बिकॉज मैक्सिमम टाइम आपका मार्केट में निकल जाता है। तो उस दिन मैंने कुछ भी आगे वापस आके शूट नहीं किया, बहुत थक गई थी। और ये है अगला दिन, सुबह मैं बना रही हूँ एक यहाँ पे बहुत अच्छी सी रेसिपी जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये अरबी की रेसिपी है, अरबी मसाला फ्राई, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है, सरसों का तेल लेना है आपको, थोड़ा सा ज़्यादा करके तेल इसमें डालना है बिकॉज़ हम फ्राई करने वाले हैं ना, तो ऐसी फ्राइंग की चीज़ों में हल्का सा आप थोड़ा सा ज़्यादा तेल यूज़ करते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है। इसके अंदर जीरा डाला है मैंने और उसके बाद अजवाइन डाला है, अरबी है तो थोड़ा अजवाइन रहेगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद हरी मिर्च को इस तरीके से मोटा मोटा कट करके मैंने डाल दिया है। यहाँ पे आप अरबी देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे फ्रेंच फ्राइज काटे जाते हैं ना ऐसे आपको अरबी कट करना है अच्छे से पील करके। और कई बार ना अरबी ऐसे कट करने पे हाथों में इचिंग हो जाती है, तो ध्यान से थोड़ा सा ऑयल या नींबू का रस अगर आप हाथ पे लगा लेंगे तो उससे फिर उतना ज़्यादा इचिंग नहीं होता है। और बस इस तरीके से आपको तेल में सीधा ये अरबी ऐड कर देना है और यहाँ से काम शुरू होता है फ्राइंग का। खूब सारा फ्राई आपको करना है, मीडियम हाई फ्लेम पे आप इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई कीजिए। और इसको ढकेंगे भी तो भी हम इसमें कोई पानी वगैरह यूज़ नहीं करने वाले, इसको इसी तरीके से आराम आराम से फ्राई करके एकदम लाल लाल बनाना है जब तक ये पक नहीं जाते। और इसमें शुरू में आप नमक भी ऐड मत कीजिएगा, नमक ऐड कर देने से शुरू में शेप ख़राब हो जाती है, जल्दी से सब्ज़ी गल जाती है और वो भुनापन नहीं आता है। हमें इस सब्ज़ी को ढेर सारा फ्राई करना है, मतलब खूब भून भून के पकाना है कि एक उसमें वो भून भून के लालपन जो होता है वो आ जाए। तो अभी हमने इसमें बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया है, जब ये 50% डन हो जाएंगी तब हम डालेंगे इसमें मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा मिक्स मसाला, चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ा सा गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं। उन सबको ऐड करके इसको फिर से अच्छे से आप करिए फ्राई और उसके बाद आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए और फिर ढक के इसको पका लीजिए। फ्लेम जो है वो मीडियम हाई रहेगा, इस पर आपको एक नज़र रखना पड़ेगा, बीच बीच में चलाते रहना पड़ेगा और खूब एकदम जब तक ये लाल लाल नहीं सिक जाती ना तब तक आप इसको कुछ ऐसा फ्राई कीजिए। ये इतनी टेस्टी लगती है ना खाने में, बहुत यमी लगती हैं बिकॉज़ ये इतना हमने फ्राई करके बनाया होता है ना तो इसका कुछ अलग सा ही बिल्कुल टेस्ट आता है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा दाल राइस के साथ या सिंपल चटनी, रोटी और ये सब्ज़ी भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस आज का व्लॉग ये छोटा सा ही रहेगा, मैं कल के व्लॉग में आपसे मिलूंगी। आई नो थोड़े व्लॉग्स लेट चल रहे हैं, इसको मैनेज करने की मैं फटाफट कोशिश करूंगी। चलिए फिलहाल ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलती हूँ मैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।